Hi everyone, welcome to my channel Microbiology with Sumi. अगर आपको मेरे videos पसंद आए तो मेरे channel को like करें, share करें, subscribe करें और साथ ही latest videos updates देखने के लिए bell icon को दबाना न भूलें. आज का हमारा video है cell wall staining by Dyar's method. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले देखेंगे aim. To stain the cell wall of bacterial cell by using Dyar's method. तो हमारा staining का aim है, हमें bacterial cell की cell wall को Dyar's method से stain करना है. Requirements, तो हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले हमें चाहिए young culture of bacterial cell, 0.35% of cetyl pyridinium chloride solution, 0.5% कॉंगो रेड सॉल्यूशन और फोर्थ है मिथिलीन ब्लू स्टेन. तो ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं. अब देखते हैं प्रोसीजर. टेक अ क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड एंड प्रिपेयर अ स्मीयर. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड लेनी है और उस पर हमें हमारे यंग बैक्टीरियल कल्चर का स्मीयर बनाना है. एयर ड्राई एंड हीट फिक्स द स्मीयर. एक बार स्मीयर बनने के बाद उसे हमें एयर ड्राई करना है और हीट फिक्स करना है. थर्ड स्टेप में ऐड 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ सिटिल पायरिडिनियम क्लोराइड. तो एक बार हीट फिक्स हो जाए स्मीयर, उसके बाद हम उस पर 3 से 4 बूंद सिटिल पायरिडिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे. फोर्थ स्टेप है, नाउ ऐड अ ड्रॉप ऑफ कॉन्गोरेट सॉल्यूशन ऑन सिटिल पायरिडिनियम क्लोराइड एंड मिक्स देम बाय रोटेटिंग द स्लाइड स्लोली. तो 3 से 4 ड्रॉप सिटिल पायरिडिनियम क्लोराइड ऐड करने के बाद इमीडिएटली हमें उस पर एक ड्रॉप कॉन्गोरेट सॉल्यूशन का ऐड करना है और इन दोनों सॉल्यूशन को हमें अब अच्छी तरह मिक्स करना है. तो अब कैसे मिक्स करेंगे? हम स्लाइड को पकड़ेंगे दोनों हाथों में और हमारे स्लाइड को स्लोली स्लोली रोटेट करेंगे ताकि ये दोनों सॉल्यूशन अच्छी तरह मिक्स हो. कीप द स्लाइड फॉर 2 मिनट. अब मिक्स होने के बाद हमें हमारे स्लाइड को 2 मिनटों के लिए ऐसे ही रख देना है. Water wash the slide and add counter stain methylene blue. Keep the slide for 10 seconds. अब 2 मिनट बाद सबसे पहले हम हमारे स्लाइड को वॉश करेंगे टैप वाटर से और उसके बाद हम ऐड करेंगे काउंटर स्टेन, वो है मिथिलीन ब्लू. और मिथिलीन ब्लू ऐड करने के बाद हम हमारे स्लाइड को 10 सेकेंड्स के लिए इसी तरह रख देंगे. वॉश द स्लाइड विथ वाटर एंड ऑब्जर्व अंडर ऑयल इमर्शन. अब मिथिलीन ब्लू ट्रीटमेंट होने के बाद हम हमारे स्लाइड को टैप वाटर से वॉश करेंगे, उसे एयर ड्राई करेंगे और ऑयल इमर्शन में इसे ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव में इसे हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में. ठीक है. इफ यू डोंट वॉन्ट टू स्टेन द सेल देन यू कैन अवॉइड यूजिंग मिथिलीन ब्लू एंड यू कैन गेट स्टेन सेल वॉल एंड कलरलेस साइटोप्लाज्म. तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ सेल वॉल ही स्टेन करनी होती है, तो यहाँ पर हम मिथिलीन ब्लू स्टेप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि मिथिलीन ब्लू है ये साइटोप्लाज्म को कलर देगा, साइटोप्लाज्म को स्टेन करेगा ब्लू कलर में. लेकिन अगर हमें सिर्फ हमारी सेल वॉल को ऑब्जर्व करना है तो हम ये मिथिलीन ब्लू ऐड करने की स्टेप को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं और ये जो फिफ्थ स्टेप है हमारी वहाँ तक ही हमें हमारे प्रोसीजर को फॉलो करना है. मतलब कि सिटिल पायरिडिनियम क्लोराइड और कॉन्गोरेट सॉल्यूशन को अच्छी तरह मिक्स करके 2 मिनट के लिए रख देना है, स्लाइड को वॉश करना है और इसे डायरेक्ट आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. तो वहाँ पर आपको रेड कलर की सेल वॉल दिखेगी और कलरलेस साइटोप्लाज्म दिखेगा. अब देखते हैं हम सेल वॉल स्टेनिंग बाय डेयर्स मेथड का प्रोसीजर. सबसे पहले हमें स्मीयर बनाना है, उसे एयर ड्राई करना है और हीट फिक्स करना है. हीट फिक्स करने के बाद हमें उस पर ऐड करने हैं 3 से 4 ड्रॉप सिटिल पायरिडिनियम क्लोराइड के. 3 से 4 ड्रॉप ऐड करने के बाद हम उस पर ऐड करेंगे 1 ड्रॉप कॉन्गोरेट सॉल्यूशन का और इन दोनों सॉल्यूशन मतलब सिटिल पायरिडिनियम क्लोराइड और कॉन्गोरेट को हम स्लाइड को रोटेट करके मिक्स कर लेंगे. तो जब ये दो सॉल्यूशंस अच्छी तरह मिक्स हो जाए हमें हमारे स्लाइड को 2 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है. अब 2 मिनट बाद हमारे स्लाइड को हम वॉश करेंगे टैप वाटर से और उस पर हम ऐड करेंगे मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन
और मिथिलीन ब्लू ऐड करने के बाद हमारे स्लाइड को हमें 10 सेकंड्स के लिए ऐसे ही रख देना है। 10 सेकंड्स के बाद हमें हमारे स्लाइड को टैप वाटर से अच्छी तरह वॉश करना है और फिर माइक्रोस्कोप में हमें हमारी स्लाइड ऑब्जर्व करनी है। अब देखते हैं प्रिंसिपल, तो किस तरह किस मैकेनिज्म से ये स्टेनिंग प्रोसीजर होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले सिटिलपाइरिडिनियम क्लोराइड इज अ कैटायनिक क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड। मैं आपको बता दूं सिटिलपाइरिडिनियम क्लोराइड ये कोई स्टेन नहीं है, ये एक अमोनियम कंपाउंड है, ठीक है, और ये एक एंटीसेप्टिक भी है। कई सारे टूथपेस्ट में, हैंड वॉशेस में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये क्यों यूज कर रहे हैं? सबसे पहले तो व्हेन दिस कंपाउंड इज मिक्स्ड इन वाटर इट फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज सिटिलपाइरिडिनियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं 0.35% सिटिलपाइरिडिनियम क्लोराइड हम यूज कर रहे हैं। उसे किस तरह बनाया जाता है? तो 0.35 ग्राम सिटिलपाइरिडिनियम क्लोराइड की जो पाउडर होती है उसे हमें 100 ml डिस्टिल वाटर में ऐड करना है। उसके बाद हमें मिलेगा 0.35% सिटिलपाइरिडिनियम क्लोराइड। तो अब जब ये पाउडर सिटिलपाइरिडिनियम क्लोराइड की पाउडर जब हम डिस्टिल वाटर में ऐड करेंगे तो इस पाउडर के दो टाइप्स के आयंस फॉर्म होंगे। सबसे पहला होगा सिटिलपाइरिडिनियम के पॉजिटिवली चार्ज आयंस और क्लोराइड के नेगेटिवली चार्ज आयंस। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इस आयंस का, तो वो रोल क्या है? द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड व्हेन दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड सिटिलपाइरिडिनियम आयन comes in contact with the cell wall, they get attached to negatively charged cell wall and makes the surface positively charged. अब ये तो दो आयंस तैयार हो गए। अब यहाँ पर सेल वॉल जो होती है बैक्टीरियल सेल की वो होती है negatively charged. तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आयंस है सिटिलपाइरिडिनियम के, वो आयंस जब इस सेल वॉल के कांटेक्ट में आएंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और सेल वॉल के सरफेस को ये कर देंगे पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पर है रोल हमारे सिटिलपाइरिडिनियम आयंस का। आगे फर्दर व्हेन द स्मियर इज ट्रीटेड विथ कॉन्गोरेट सॉल्यूशन व्हिच इज अ एसिडिक डाई द सेल वॉल गेट स्टेन्ड इन रेड कलर। तो अब एक बार हमारा सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, सेल वॉल का सरफेस, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे स्मियर को ट्रीट करते हैं हम कॉन्गोरेट सॉल्यूशन से। अब कॉन्गोरेट सॉल्यूशन ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर होते हैं निगेटिव आयंस, ठीक है। तो जब हम ये एसिडिक सॉल्यूशन हमारे सेल वॉल के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा तब ये निगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज आयंस फिर से अटैच हो जाएंगे और हमारे सेल वॉल को मिलेगा रेड कलर। हियर मिथिलीन ब्लू स्टेन्स द साइटोप्लाज्म इन ब्लू कलर। अब कॉन्गोरेट सॉल्यूशन और सिटिलपाइरिडिनियम के ट्रीटमेंट के बाद में लास्ट में हम ऐड करते हैं यहाँ पर हमारा काउंटर स्टेन और वो है मिथिलीन ब्लू। तो ये मिथिलीन ब्लू क्या करेगा, हमारे साइटोप्लाज्म को ब्लू कलर में स्टेन कर देगा। तो ये था प्रिंसिपल। आगे देखते हैं ऑब्जर्वेशन। हियर सेल वॉल गेट स्टेन्ड इन रेड कलर एंड साइटोप्लाज्म गेट स्टेन्ड इन ब्लू कलर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे सेल्स को तो आपको रेड कलर की सेल वॉल और ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म दिखेगा। तो रेड कलर की सेल वॉल मिलेंगी हमें कॉन्गोरेट सॉल्यूशन से और ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म जो कलर हमें स्टेन मिलेगा वो है मिथिलीन ब्लू से। अब यहाँ पर देखते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के थ्रू जस्ट एक आइडिया देने की कोशिश की है कि किस तरह का आपको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन दिखेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इमेजिन कीजिए कि ये एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड है और सेल्स आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे। रेड कलर की सेल वॉल दिखेगी आपको और ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म दिखेगा। तो ये सेल वॉल स्टेनिंग बाय डेयर्स मेथड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें।